नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। आज भारत बंद है और तस्वीरें देखिए पटना के डाक बंगला चौराहे की, जहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके का आंदोलन जो है वो फिलहाल चलाया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए दलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अनिल साधु जी हैं। अनिल साधु जी, क्या कहेंगे, सरकार चेतेगी? एक तरफ पूरे देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं एक साल से, और दूसरी तरफ देश का प्रधानमंत्री रंगलिया मना रहे हैं विदेशों में। जो तीनों बिल जो लाया गया है, हम लोग का मांग है कि तीनों बिल, ये तालिबानी बिल है, इसको वापस लिया जाए और किसानों को अडानी और अंबानी के हवाले करना बंद करे ये सरकार। तेजस्वी नजर नहीं आ रहे हैं? आएंगे, निश्चित आएंगे तेजस्वी जी, निश्चित आएंगे। चलिए तस्वीरें देखिए पटना के डाक बंगला चौराहे की, एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा डाक बंगला चौराहा जो है वो भारत बंद के दौरान भर दिया गया है, और आरजेडी के कार्यकर्ता भी नज़र आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी नज़र आ रहे हैं। और क्या कहेंगे, आप तो राघोपुर से हैं। हाँ जी, आज पूरे बिहार और पूरा भारत राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बंद है, और राष्ट्रीय कृषि काला कानून के खिलाफ पूरे देश में हमारा राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव जी और जगदा बाबू के नेतृत्व में पूरा बिहार मजदूर प्रकोष्ठ की तरफ से पूरे बिहार और पूरा देश बंद है। बिहार और पूरा देश बंद है, इस नारे के साथ आरजेडी के कार्यकर्ता जो हैं वो उतर चुके हैं। और देख सकते हैं कि क्या तस्वीरें, क्या नज़ारा पटना के डाक बंगला चौराहे पर है। आरजेडी के कार्यकर्ता कतारबद्ध होकर एक साथ लगे हुए हैं और इस भारत बंद को सफल बनाने के लिए। क्या लग रहा है सरकार चेतना? निश्चित रूप से चेतना चाहिए। हिटलर शाही शासन लोकतंत्र में नहीं, प्रजातंत्र में नहीं चलता है, और ये जो कारपोरेट को देश का जमीन और खलिहान पर कब्जा कराना चाहते हैं वो नहीं चलने वाला है। आदरणीय नेता तेजस्वी यादव के अगुवाई पर आज जो है हम लोग सड़क पर। क्या लग रहा है सरकार, क्या सरकार फैसला लेगी वापस कानून को लेना होगा उनको? अगर वापस नहीं लेंगे तो हम लोग रोड पे उतरेंगे, उनके खिलाफ संघर्ष करेंगे, हम लोग किसान के साथ हैं और साथ रहेंगे। चलिए देखिए, देख सकते हैं कि आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार प्रोटेस्ट करते हुए गांधी मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या लग रहा है, सरकार चेतेगी आप लोगों के साथ आंदोलन के बाद? अब सरकार चेतेगी, अब सोच लीजिए, जो हम लोग के खाना, जो हम लोग के जीवन के लिए सबसे जरूरी खाना है, भोजन है, वो अनाज आज एक साल से किसान लोग बो नहीं रहे हैं और उसकी उपज नहीं होती है, और सरसों तेल 80 रुपये से 200 रुपये लीटर हो गए हैं। इस हिसाब समझ सकते हैं कि देश का स्थिति और परिस्थिति क्या है। और ये नरेंद्र मोदी सरकार बहरी सरकार, सिर्फ अमेरिका अमेरिका बार बार क्यों जाता है नरेंद्र मोदी, इसका जवाब दो। काम करने जाते हैं, विकास से काम होते हैं, विदेश नीति होती है। वही विकास जो बेइज्जती कर दिया गया अमेरिका में बाइडेन द्वारा, वो विकास नहीं देश को विनाश की ओर ले जा रहे हैं। वो विकास नहीं, देश की विनाश की ओर लेके जा रही है। आप देख सकते हैं आरजेडी के कार्यकर्ता जो हैं वो फिलहाल पटना के गांधी मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं, और उनके साथ कुछ सीनियर लीडर हैं जैसे कि आलोक मेहता। और ये देख सकते हैं कि आरजेडी के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं एक दुकान वालों से कि आप अपनी दुकान जो है वो बंद कर दीजिए, और सबों को दुकान बंद करवाते हुए आरजेडी के नेता, आरजेडी के कार्यकर्ता। चलिए क्या कहेंगे, सरकार चेतेगी? अभी तो 12 बजे तक सरकार अध्यक्ष जी का आदेश है, नहीं चेतना चाहिए। ये कारपोरेट को जो है किसानों का हक जो है अनाज पर बिरला टाटा डालमिया बजाज मोदी गोयनका अडानी अंबानी का कब्जा करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, उसी को रोकने के लिए आज राष्ट्रीय जनता दल